स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जनरल यानी कि जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। साथ ही साथ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीटा पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ एनर्जीज पर ध्यान देना। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा 2 सेकंड ले लूंगी आपके। अगर आप लोगों को पिका कार्ड रीडिंग देखनी है या पिका डाइस रीडिंग देखनी है या पिका कैंडल रीडिंग देखनी है, यानी कि ऑप्शंस वाली रीडिंग्स देखनी है, तो यार प्लीज मुझे ना कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। आप में से आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि मैं मोबाइल पे मैसेजेस देखती हूँ, जबकि मैं मोबाइल पे मैसेजेस बिल्कुल नहीं देखती। मोबाइल मेरा ऑपरेट करते हैं दीपक या अनिशा, दोनों में से कोई ना कोई मेरा मोबाइल ऑपरेट कर रहे होते। मैसेजेस आप लोगों के मोबाइल वाले मुझे मिलते ही नहीं है। मैंने कई बार पहले भी कहा है कि मुझे मोबाइल वाले मैसेजेस नहीं मिलते, वो सिर्फ डायरेक्ट बुकिंग होती है, बुकिंग के बाद डायरेक्ट मेरी बात हो पाती है। इससे पहले जो भी डील होती है वो सब अनिशा या दीपक कर रहे होते हैं, मैं तो डील ही नहीं करती, बीच में आती ही नहीं हूँ। रीजन ये कि इतने मैसेजेस होंगे, अगर मैं एक एक को लाइक बोलते ना, अगर आंसर करना शुरू करूंगी तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ बुकिंग होने के बाद मुझे पता चलता है कि एग्जैक्टली किसकी बुकिंग हुई है, तो वहां पर उल्टा मैं मैसेजेस नहीं देखती हूँ। अगर आप लोगों को अपनी राय, अपना सजेशन या अपने बारे में कुछ भी बोलना है, आप लोग कमेंट बॉक्स का यूज़ करो। कमेंट बॉक्स जो है उसी के लिए बनाया गया है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कई बार, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि मैंने कई बार रिस्पॉन्ड किया है कमेंट बॉक्स में, लोगों को आंसर्स दिए हैं, कुछ लोगों को मैंने कई बार सुझाव और सजेशंस दिए हैं। आप लोग में से अगर काफ़ी लोगों को नहीं पता, अगर आप लोग चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि कई बार दीदी ने रिस्पॉन्ड किया है कमेंट बॉक्स में। हाँ, जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना वो रिस्पॉन्ड कर लेती हूँ, बट हर बार नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरी देखो एक हैबिट है, मैं बताती हूँ फ्रेंकली। मैं जब जब फ्री होती हूँ, लोगों को इंस्टाग्राम यूज़ करने की आदत है या यूट्यूब या फेसबुक, तो मेरी एक आदत है कि मैं कमेंट्स चेक करना शुरू करती हूँ। मेरे को फ्री हुआ टाइम पर फटक से ऐसे कमेंट्स देखना शुरू कर देती हूँ, तो मैं सिर्फ कमेंट्स पर ध्यान देती हूँ। इसलिए आप लोग कमेंट्स बॉक्स पर डेफिनेटली अपना सजेशन, अपनी राय सजेस्ट करो कि क्या बनाना चाहिए, क्या पिका कार्ड होना चाहिए, या अपने बारे में आपको कुछ शेयर करना है, आप शेयर कर सकते हैं, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आने पर ही लाइक करो, नहीं पसंद आती है आप लोग स्किप कर सकते हो, हाँ डिसलाइक भी कर सकते हो, मेरी तरफ से पूरी छूट है। ठीक है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ये अगेन आप लोगों की चॉइस है। अगर आप लोगों को पसंद आए सिर्फ तब करना। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि मैं ब्रेसलेट यहाँ सेल करती हूँ, मैं उसके लिए भी क्लारीफाई कर देती हूँ अगेन एंड अगेन। प्लीज़, कुछ लोगों को गलत फहमी है कि ब्रेसलेट मैं सेल कर रही हूँ इसलिए फिर मुझे अप्रोच कर रहे हैं, मेरी टीम को अप्रोच कर रहे हैं। हम ब्रेसलेट सेल नहीं करते, इट इज़ जस्ट कि अमित सर सबसे बेस्ट थे ब्रेसलेट में, हमें इसके बारे में आइडिया था, हम भी कैसे ना कैसे किसी के थ्रू पहुंचे थे, जब हमें अच्छा एक्सपीरियंस हुआ तो हमने आपको सजेस्ट किया कि आप जो है इनके पास जाकर ट्राई करके देख लो, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो आप चॉइस है आपकी, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस ये आपकी सजेशन होती है, तो आप उनको जब कॉन्टैक्ट करते हैं वो आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या लेना है क्या नहीं, उसमें हमारा कंसर्न होता ही नहीं। ठीक है, तो ये समझ लो कि ये डिफरेंट सेक्टर, ये डिफरेंट सेक्टर। ओके, क्लियर हो गया, चलो अब शुरू करते हैं। आज जो है एक टास्क है, इसे स्किप नहीं करना, अभी जो बोलने जा रही हूँ ये स्किप नहीं करना। अभी क्या कर रही हूँ मैं, डाइस सब शफल कर रही हूँ, डाइस के साथ आप लोगों को कैंडल पे भी फोकस करना है। क्या ये मुमकिन है, क्या ये कर पाएंगे, ट्राई करिए। चलो मैं शफल कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप अपने पार्टनर का भी ध्यान करें, साथ ही साथ डाइस पे फोकस करें और साथ ही साथ आप लोग जो है कैंडल पे भी फोकस करें। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स जिसके बारे में सोच रहे हैं उनके उस पार्टनर के बारे में बताएं, उसके पार्टनर की, उस पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके इस पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स बताएं, वो क्या सोच रहे हैं अभी इनके बारे में। ओके, सबसे पहले मैं बता देती हूँ उनके साइंस। आपके पार्टनर का साइन हो सकता है टॉरस, जेमिनी, मिथुन राशि आई है और यस टॉरस आया है, काफ़ी हद तक लिब्रा एनर्जी है, मर्कुरी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी इस व्यक्ति की, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कम्युनिकेशन है। चलो मैं उस पर आती हूँ, मैं कुछ साइंस बता देती हूँ। लियो हो सकता है, लिब्रा हो सकता है और कुंभ राशि हो सकती है, इनके एरीज साइन भी हो सकती है। ठीक है, ये कुछ साइंस मेरे सामने रिफ्लेक्ट हुई है। इनका कम्युनिकेशन लेवल मैंने आपको कहा कि बहुत अच्छा हो सकता है, इनका बुध बहुत बलवान है, बुध बलवान होने के ना साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और कुछ अच्छे इफेक्ट्स भी होते हैं। अब बुध बलवान वालों के लिए क्या होता है ना, जिनका बुध बहुत स्ट्रांग होता है उनकी कम्युनिकेशन इतनी पावरफुल होती है ना कि आप कभी उनसे जीत नहीं सकते। आपके पार्टनर ना जब आपके सामने बोलेंगे ना, आप चाहे कितने उनसे नाराज़ रहो या कितनी भी पॉइंट आपको गलत लगे उनकी, आप उनसे जीत नहीं सकते, ना वो आपको जीतने देंगे, क्योंकि उनके पास हर बात का तर्क बहुत अच्छा होगा, डिबेट करने में एक्सपर्ट होंगे, भले या जीतना है बस उनका ये मोटो रहेगा, उसके लिए तर्क को ही भी कर सकते हैं या आपके ऊपर ही घुमाकर जो है पासा फेंक सकते हैं, इस तरीके की इनकी एनर्जीज होती है। तो बुध इनका बहुत बलवान हो सकता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, ये आपका दिल छीन ले, इस तरीके की पर्सनालिटी है इनकी। कम्युनिकेशन आप इनके लुक से ज़्यादा इनकी कम्युनिकेशन से ही बहुत अट्रैक्ट हुए हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, मोर देन लुक्स
आप इनकी लुक से अट्रैक्ट हुए और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत लंबे समय से चल रही इसलिए मुझे बहुत डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप लग रहा है। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर जो है कई हद तक ये मानने लगे हैं, इनके अंदर ये एक फीलिंग आ गई है कि आप डेफिनेटली किसी तीसरे व्यक्ति से या तो ज़्यादा बात कर रहे हैं, या कोई आपका दोस्त आपको भड़का रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, या परिवार का कोई सदस्य जिसके कारण आप जो है अब उनको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो। यस, डेफिनेटली मुझे आपके अंदर एक एम्प्रेस की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बढ़ा है, आपके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, आप जो है अब लेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली पर्सनालिटी हो, और ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इस एनर्जी के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि आपका दिमाग कोई और व्यक्ति ख़राब कर रहा है, या कोई और व्यक्ति के कहने पे आप ऐसा कर रहे हो, या कोई और आपकी ज़िंदगी में आ गया है, इसके कारण इनकी वैल्यू ख़त्म हो गई है आपकी ज़िंदगी में। अब आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप इनसे प्यार नहीं कर सकते, या शायद अब आप इनकी इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे, ऐसा ये मानने लगे हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में जितना प्यार पहले था या कनेक्शन पहले था, जितनी वाइब थी, एक स्ट्रॉन्ग एक नर्सिंग एनर्जी थी, आप इनको बहुत ज़्यादा लाइक एक मदरली ट्रीटमेंट दिया करते थे, या फादरली अगर आप एक लड़के हैं तो आप इनको बहुत प्रोटेक्ट करते थे और बहुत सारी चीज़ों पे गाइड करते थे कि यार ऐसा करो तुम्हारे लिए ये सक्सेसफुल रहेगा, आप इनके खुशी में खुश रहना जानते थे। ठीक है, अगर आप एक लड़की हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर एक मदरली एनर्जी थी जो बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग टाइप की थी और मोटिवेटर भी थी, आप मोटिवेट बहुत करते थे, क्योंकि काफ़ी हद तक मून भी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। मून एनर्जी काफ़ी हद तक वेरी स्ट्रांग केयरिंग लविंग एनर्जी होती है, जो बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को बोलते ना केयर करना, लाड़ प्यार से बड़ा करना, उसको लेकर चिंतित रहना कि अरे पता नहीं इसका क्या होगा आगे, लाइक उसकी स्टडीज़ को लेकर, तो काइंड ऑफ आपकी एनर्जी में वो रिफ्लेक्शन है जहाँ पे आप इनको लेकर चिंतित बहुत रहते हो या इनकी केयर बहुत करते हो। तो इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि दीज डेज जो आप लोग दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन आया है उसमें आप में तब से अब में मेजर डिफरेंस है। अब तब की जो अगर पर्सनैलिटी ये देखें तो तब की एक ममता से भरी पर्सनालिटी, लेकिन अभी की जैसे कि समझो राम से रावण का सफ़र। ठीक है, मैं आपको रावण नहीं बुला रही हूँ, पर मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि राम से रावण, तब आप राम थे, अब आप रावण बन गए हो, और आपका रावण बनने का सफ़र इसलिए क्योंकि आपने इनको उतना भाव देना या उतनी वैल्यू देना या उतनी इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया है। अब आप अपने राइट्स के लिए फाइट बैक करते हो, आप अपने लिए लड़ते हो, लाइक आपको अगर कोई चीज़ लगती है कि गलत है तो आप उसके लिए मुंह पे बोल देते हो कि देखो यार मुझे ना ये बात तुम्हारी समझ में आ नहीं रही है, या अगर ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो आप इनके पीछे नहीं भागेंगे। आप ये कोशिश ज़रूर कर लेते हैं कि चलो मैं मैसेज करके ट्राई कर लूँ, बट अगर देखते हो कि रिस्पॉन्स बहुत गंदा है तो आप इनके पीछे फिर लगते नहीं, फिर इनके पीछे आप भागना पसंद नहीं करते, आपको लगता है इट्स बेटर कि मैं अपनी राह पे अपने आप पे फोकस करूं। दीज डेज आप अपने आप को बहुत ध्यान देने लगे हो, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, बट दैट डजेंट मीन कि आपको स्ट्रेस या एनजाइटी नहीं हो रही, आपको एनजाइटी लेवल भी बहुत है, क्योंकि अगर मून स्ट्रांग है तो इसका मतलब एनजाइटी लेवल या इमोशनल लेवल पे आप डिस्टर्ब भी हो। यू आर ट्राइंग वे टू मच कि आप इनसे डिस्टेंस में रहो, बट कहीं ना कहीं आप अंदर से डिस्टर्ब्ड हो, अंदर से कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में ऐसा है कि जब जब स्पेशली आप अकेले बैठते हो तो आप अपसेट हो जाते हो, आप उदास हो जाते हो इनके बिहेवियर को याद करके। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस बिहेवियर में इतने चेंजेस, लाइक आपके पार्टनर में आप जो चेंजेस देख रहे हो, ये चेंजेस डेफिनेटली आपको कभी कभी एग्जॉस्ट करते हैं। आपको लगता है कि आपने सोचा नहीं था कि ये व्यक्ति ऐसा कुछ बिहेवियर देंगे, आपको लगा था एक ना एक दिन एफर्ट डालेंगे, बट ये बजाय एफर्ट डालने के ईगो में बहुत रहते हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन 3 से 6 का, 2 से 1 का अगेन दिखाई दे रहा है सोलमेट की एनर्जी, बट यहाँ पर इंडिविजुअल एनर्जी में रिप्रेजेंट हुआ, यानी कि इस तरीके की एनर्जी बन गई जहाँ पर इस व्यक्ति ने आपके लेवल को, लाइक आपके प्यार को अवॉइड किया या इग्नोर किया वाली एनर्जी है, जहाँ पर आपके केयर को इस व्यक्ति ने वैल्यू नहीं किया। और इनके लिए भी अब ऐसा हो गया कि ये सोलमेट कनेक्शन इंडिविजुअल कनेक्शन बन चुका है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि इस कनेक्शन में आप सिर्फ यही रह गए हैं, यही है जो आपके बारे में आपको मिस करते हैं, या आपको चेस करते हैं, या आपको स्टॉक करते हैं, या आपके बारे में कुछ ना कुछ पता करने की कोशिश रखते हैं, बट आप इनमें अब वो इंटरेस्ट लेते नहीं, आपके अंदर चेंजेस आ चुके हैं, आप जो है उनको ध्यान नहीं देते, ऐसा इनका मानना है। इनको लगता है कि आपके अंदर का प्यार ख़त्म हो चुका है, आपके अंदर जो है बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आ चुके हैं, जिसके कारण अब आप इस व्यक्ति को उस नज़रिए से नहीं देख पाते जिस नज़रिए से आप पहले देखा करते थे। आप इनको रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, आप इनको लव नहीं दे पाते, और इस बात से ये बहुत दुखी होते हैं। इनको लगता है कि ये एक
उस सिचुएशन में है जहाँ पे इनको ना चाहते हुए भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। जिस भी व्यक्ति के साथ ये हैं, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कनेक्टेड है, यानी कि या तो ये इनके माता पिता है, या हो सकता है ये दोनों आप दोनों में से कोई मैरिड है, या इनका बच्चा कोई है इन्वॉल्व, जिसके कारण ये व्यक्ति जो है वहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। उनको लगता है कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हो सकता है इनका करियर है या इनकी स्टडी है, तो इनको लगता है यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको मुझे प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी, भले इस व्यक्ति को दुख हो या नाराजगी हो, भले आपको कितना भी दुख हो, लेकिन यहाँ इनको फोकस करना पड़ेगा। और इनको लग रहा है कि आप इनकी मजबूरियाँ या इनकी तकलीफ़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, आप कहीं ना कहीं इनको अकेला कर रहे हैं, अकेला महसूस करवा रहे हैं, या कहीं ना कहीं इनको बहुत लो फील करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि जब से आप गए हो तब से पैसों को लेकर भी किसी तरीके का फॉल ज़रूर हुआ है, लाइक फाइनेंशियल लेवल पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डेप्थ बढ़ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, स्पेशली हो सकता है ये लास्ट थ्री मंथ से हो सकता है, या लास्ट टू मंथ से इनके डेप्थ, यानी कि इनके लोन्स या इनके कर्जे बढ़ रहे हैं, या किसी से उधार लेना पड़ रहा है, या इनके पैसे चाहे इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पैसे फंस जा रहे हैं, लाइक कोई प्लॉट, कोई लैंड या घर जिसमें भी ये पैसे डाल रहे हैं वहाँ पैसे अटकते नज़र आ रहे हैं। और इसमें इनको लगता है कि आपसे ये चीज़ें कंसर्न्ड है। इस व्यक्ति को मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपने कोई काला जादू या कुछ ऐसी चीज़ें की है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, पर कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि एक टाइम पहले आप बहुत रोए हो और कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हुए हो, आपने इनसे बहुत ज़्यादा बैक किया है और उस टाइम उन्होंने आपको इग्नोर किया या ऐसी चीज़ें की जिसके कारण इनको लग रहा है कि उसी का कहीं ना कहीं कर्मा इनको रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्योंकि जब जब ये एकांत में बैठते हैं तो इनको ध्यान आता है कि उस टाइम आप इनको अप्रोच कर रहे थे और ये ध्यान नहीं दे रहे थे, तो कहीं उसका ये कहीं ना कहीं कर्मा तो नहीं फेस कर रहे, इस तरीके की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। आपके पार्टनर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी बन चुकी है जहाँ पर उनका प्राइड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, सेल्फ ईगो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। उनको लग रहा है कि मैंने तो कोशिश करनी थी, मैंने कर ली, बट इस रिलेशनशिप में अब मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, इट्स बेटर टू मूव ऑन। अभी मूव ऑन की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट ज़रूर हुई है, चाहे ये व्यक्ति मूव ऑन कर रहे हैं बट ये आपको मिस बहुत करते हैं। ये जितना तेज़ी से आगे जाते हैं ये उतना आपको याद करना शुरू करते हैं, ये जितना खुद को पुश करते हैं ये उतना ही आपको दिमाग में ले आते हैं, इसी के कारण आप इनके सपने देखने पे मजबूर होते हैं, या कहीं ना कहीं टेलीपैथी कम्युनिकेशन आती है, या इसी वजह से कई बार आपको एंजल्स नंबर भी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति आपको याद करते हैं तो एंजल्स आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि लुक ही इज़ मिसिंग यू और शी इज़ मिसिंग यू। ठीक है, ये व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त ये डिनायल मूड में ज़्यादा आ चुके हैं। इनको लग रहा है कि ठीक है जाने दो, अगर नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप में कुछ तो मुझे भी इस रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेज़ीनेस बहुत दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि लेज़ी हो गए और डायरेक्ट ही हाथ ऊपर कर लिए हैं, और उन्होंने ऐसे सोच लिया कि नहीं अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा खुद से होगा, भगवान की मर्ज़ी है, जो होना होगा बेस्ट होगा। और कहीं ना कहीं ये ऑब्स्टेकल में आया है, ये ऑब्स्टेकल में आया है कि आपके पार्टनर जो है इस वक्त बहुत लेज़ी हैं या कछुए जैसे चल रहे हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं और डिनायल मूड में आ गए हैं, जहाँ पर उनको लग रहा है कि ठीक है मैं ही क्यों ध्यान दूँ, उसको तो मेरी वैल्यू है नहीं, इसको तो समझ में आ नहीं रहा है कि मेरे को दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, इसको तो सिर्फ अपनी पड़ी है, इसको तो अपना ही दुख दिख रहा है, तो मुझे भी बात नहीं करनी, इट्स बेटर कि मैं इसको ज़्यादा एंटरटेन नहीं करूँ, क्योंकि ये शायद मेरे एंटरटेन करना या प्यार करने से चक्कर में ही ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप स्पॉइल हुआ है। आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ईगो, मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे दिखाई दे रही है कि ईगो आ गई है, और ये ईगो इनकी कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हो रही है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में आप लोग दोनों परेशानियों से गुजर रहे हो। आप अपने आप को बेटर पर्सन बनाने की कोशिश कर रहे हो, पर प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे नेगेटिव की तरफ चले जा रहे हैं। आप तो बेटर बन रहे हो पर कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में इनका नुकसान पे नुकसान या इनके साथ चीज़ें नेगेटिव होना शुरू हो गई है, क्योंकि घर में भी किसी प्रकार का कलेश ज़रूर है इनके। इनके घर में किसी तरीके की लड़ाई, बहस या कहीं ना कहीं मन ना लगने की एनर्जी है, इसलिए ट्रैवल करने के बारे में सोचते हैं या ट्रैवल ऑलरेडी कर रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है पैर घर में ज़्यादा इनके टिकते नहीं, और बाहर भी ये काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन, हाई कंपटीशन का सामना कर रहे हैं। जिस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वो मनचाही जॉब इनको ठीक से मिल नहीं पा रही है। अगर प्रमोशन के लिए ट्राई किया तो वहाँ पे भी प्रमोशन मुश्किल से हो भी रही है तो वहाँ सैलरी कुछ अच्छी मिल नहीं रही है। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये परेशान नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जहाँ आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे आप ब्लेसिंग्स की तरफ जा रहे हो, वैसे धीरे धीरे ये अपनी ज़िंदगी में फॉल की तरफ जा रहे हो, और ये कहीं ना कहीं कुदरत का कर्मा ही हो सकता है, जिसके कारण मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये एनर्जी रिफ्लेक्शन है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर मैं आउटकम को देखूँ
तो आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पर ना एक ही चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पर आप लोग दोनों जो है डुअल थे, डुअलिटी से यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी से इंडिविजुअल हुए हो, और यहाँ भी आउटकम सेम आया है सोलमेट से इंडिविजुअल की एनर्जी, पर कभी भी आउटकम को हम उल्टा पकड़ कर चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट जो डाइस आया है उससे और एंडिंग डाइस को हम कभी भी उल्टा कनेक्ट करते हैं। तो ये एनर्जी जो है आप लोगों के लिए ऐसे नहीं, उल्टी बनती है, यानी कि हमको वन पहले ऊपर लेना है और उसको टू को नीचे लेना है। मैं आपको कभी कभी एक्सप्लेन करती हूँ, रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मेरा तरीका है, मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए मैं क्या रीड कर रही हूँ, क्यों रीड कर रही हूँ, थोड़ा बहुत कभी कभी आपको आइडिया होना चाहिए, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा हम सच में जेन्युइनली क्या देख पाते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं ऐसा ये उल्टा वर्जन होता है जब भी आउटकम की एनर्जी आती है, तो उल्टे वर्जन के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पर आप मुझे फर्स्ट नंबर पे, अगर फर्स्ट यहाँ पर रख दूँ तो यहाँ पर आप इंडिविजुअल एक अकेले दिखाई दे रहे हैं, और अगर मैं यहाँ पर डुअल रख दूँ तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप दोनों रीयूनियन को प्राप्त ज़रूर करेंगे, बट ये रीयूनियन में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स ये आ रही हैं कि आप तो अपनी वाइब्रेशंस को पकड़ रहे हैं, इनके अंदर रियलाइजेशन आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। ये अक्टूबर के एंड या दिसंबर के सेकेंड वीक में आपको अप्रोच करने की तैयारी करेंगे, बट कहीं ना कहीं इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है या तो ये ट्रैवल कर रहे हैं या तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लीगल मैटर्स ऑलरेडी चल रहे हैं, आपके पार्टनर कोई लीगल मैटर में अगर हैं तो चांसेस है कि ये उस लीगल मैटर को लेकर बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और अगर लीगल मैटर आप दोनों के बीच में है तो चांसेस बहुत हाई हैं कि यहाँ पर आप विन विन कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर वीनस की एनर्जी है, यहाँ पर मर्क्यूरी की एनर्जी है, तो यहाँ पर वीनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पर दिखाई दे रहा है, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि विन विन सिचुएशन आपकी हो जाएगी और ये व्यक्ति थोड़े से कहीं ना कहीं अपने हाथ से चीज़ें गवा बैठेंगे, इस तरीके का नुकसान हो जाता है। और कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच में कोई इमोशनल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, अब ये इमोशनल बॉन्ड इनका करियर हो सकता है या इनकी फैमिली हो सकती है, इनके बच्चे या इनकी मदर हो सकती है जिनसे ये बहुत इमोशनली कनेक्टेड है, जिसके कारण भी इन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया, इनको लग रहा है कि आप इन्हें नहीं समझ पा रहे और आपने इनको कुछ भी समझाना बंद ही कर दिया है, आप इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है इट्स बेटर कि मैं इतनी एनर्जी इस पर डालूँ, इससे अच्छा मैं अपने आप पर डाल दूँ इतनी एनर्जी, कहीं ना कहीं आप अपने आप पर फोकस करते नजर आ रहे हो। ठीक है, अब मैं थोड़े से एंजल्स के गाइडेंस निकाल लेती हूँ और फिर इस रीडिंग को एंड करती हूँ। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। कुछ लोग करियर रीडिंग के लिए मुझे बोल रहे हैं, मैं बनाकर आज पोस्ट करती हूँ, ठीक है, लगभग शाम को, क्योंकि आज बैक टू बैक बहुत ज़्यादा रीडिंग्स के स्लॉट दिए हुए हैं तो मैं उसमें ऑक्यूपाइड हूँ, जैसे ही मैं फ्री हो जाऊँगी मैं करियर का भी आप लोगों के लिए रीडिंग तैयार कर दूँगी। बट जिन लोगों को करियर रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट रहता है वो लोग मेरे को प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, मैं संडे डे हर संडे फिक्स मैं पक्का डालती हूँ, करियर के लिए, बिजनेस जॉब के लिए मैं ज़रूर डालती हूँ, तो आप लोग मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं बाकायदा आप लोगों के लिए सरल भाषा में वो सब चीज़ें बनाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में, और रेमेडी और स्पेल भी मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत शेयर किए, बहुत ज़्यादा मैंने अच्छी बहुत सारी रेमेडीज़ शेयर की और आगे और भी बहुत सारी रेमेडीज़ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वहाँ मुझे ज्वाइन ज़रूर करो आप। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या गाइडेंस है। समवन इज़ मिसिंग यू, जैसे कि मैंने कहा ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं, हो सकता है हिचकियाँ बहुत आती है आपको। You need to save and invest your money wisely. आप अपने पैसे बचाओ क्योंकि यही आपके पैसे काम आने वाले हैं, क्योंकि इनका ऑलरेडी देखो पैसों का प्रॉब्लम शुरू हुआ है, हो सकता है कि किसी हेल्प के ज़रिए ही आपके पास अचानक से आ जाएं कि यार मैं बहुत फॉल से गुजर रहा हूँ और नाउ आई नीड योर हेल्प, और कहीं ना कहीं आप इनकी हेल्प करोगे तो आप इनकी नज़र में बड़े बन जाओगे, या आपके पैसे बचाने के कारण आप बाद में घर खरीदेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप शायद अपने घर में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने वाले हैं या कोई अपना वर्क प्लेस डिज़ाइन करने वाले हैं, ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज़ दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लास्ट है, पे अटेंशन टू द साइंस एंड सेंस बाय एंजल, अगर आपको कोई साइंस दिख रहे हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें, उसके अर्थ को जानने की कोशिश करें, प्रयास करें कि इसका क्या मकसद हो सकता है, ये क्यों आपको दिख रहे हैं, इस चीज़ को जानने का प्रयास करें। रैंडमली किसी के भी कहने पर मत समझ लें कि अच्छा एंजल नंबर्स का मतलब ये होता है, आधे से ज़्यादा लोग क्या है रैंडमली कुछ भी कहने पर मान लेते हैं, थोड़ी सी रिसर्च करना उसके बाद ही अप्रूव करना। एंजल नंबर्स में मैं बहुत सून वीडियो तो नहीं बनाऊंगी, मैं ट्राई करूंगी कि वर्कशॉप्स ही किए जाएँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अब मुझे वर्कशॉप से ज़्यादा बेटर लग रहा है। क्या हो रहा है कि वीडियो जब मैं पोस्ट कर रही हूँ तो मुझे उस लेवल का मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे पर्सनली आप लोगों से इंट्रैक्शन चाहिए, और मुझे इंट्रैक्शन जब नहीं मिल रहा है तो मुझे इस तरह लाइक बोलते हैं ना डायरेक्ट वीडियोस पोस्ट करने में कुछ खास, लाइक पॉडकास्ट वगैरह में भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं आप लोगों से बात कर सकूँ,
इस तरह मुझे मज़ा आता है। अगर आप लोग नोटिस करो तो मैं इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ही करती थी, मैं लाइव आती थी, मैं घंटों बहुत देर बातें करती थी और बहुत सारी चीज़ें और एक्सपीरियंस को शेयर करती थी, बहुत सारी लर्निंग्स देती थी और फिर चले जाया करती थी। वो कभी भी निस्वार्थ हुआ, कोई ऐसा नहीं होता था कि मैं पैसों के लिए करती थी। उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग अपने सवाल भी पूछ पाते थे। लेकिन इसी तरह से हम लोगों ने प्लान किया है कि जूम वगैरह पे करेंगे। अगर एंजल नंबर्स का भी हुआ तो मैं डेफिनेटली वर्कशॉप ज़रूर करूँगी इसका भी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि एंजल नंबर्स का वर्कशॉप आप लोगों को रिक्वायर्ड है कि नहीं, और वो भी हम लोग फिर अगेन जूम पर ही करेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।